कर्नाटक चुनाव में वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे। पीएम मोदी ने राजसमंद जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल नाथद्वारा में रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने गए। यहां उन्होंने राजभोग झांकी के दर्शन किए। अब एक देखिए बड़ा सवाल है, चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है, चुनाव प्रचार में रैलियां नहीं होती हैं, अब इसके बाद में आज तो वोटिंग का दिन है, लेकिन वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री राजस्थान तो जा ही सकते हैं, राजस्थान में बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, तो इसको लेकर अब कई बातें सामने आती हैं, खासतौर पर विपक्षी दलों की तरफ से कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ था तो तेलंगाना में जाकर प्रियंका ने भी रैली की थी, तो सभी इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस समय को, लेकिन इसको सीधे सीधे जोड़ा जा रहा है कर्नाटक चुनाव से। हालांकि ये पूरा कार्यक्रम जो है ये राजस्थान का कार्यक्रम है। पीएम मोदी जब श्रीनाथ जी मंदिर पहुँच रहे थे उस वक्त रास्ते में लोग उनकी गाड़ी पर फूल बरसा रहे थे। एक बार की आप जब वो तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ये कर्नाटक का कोई पुराना रोड शो चल रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में आपने प्रधानमंत्री के बहुत सारे रोड शोज देखे हैं। पीएम मोदी उदयपुर से हेलीकॉप्टर से श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे हैं। पीएम मोदी के मंदिर पहुंचने पर बाहर आम लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मंदिर के बाहर जुटे लोगों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए आए। मंदिर के बाहर मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब गौर करने वाली बात यह है कि आज कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान भी हो रहा है, और ऐसे में पीएम मोदी की नज़र वहां पर रह रहे प्रवासी राजस्थानी वोट बैंक पर भी है। साथ ही साथ में जब रोड शोज होते हैं वहां पर जो बातें कही जाती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, विकास के कार्य गिनाए जाते हैं। निश्चित तौर पर इन चीज़ों को जोड़कर देखा जाता है कि ये कितना असर डालेंगे। जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन प्रधानमंत्री कहीं भी बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पर बेशक आप उस राज्य में रैली नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी भी जगह पर रैली कर रहे हैं तो उसको कर्नाटक में जनता देख सकती है, सुन सकती है। मैं यहाँ से जो भी बोल रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में हमको बहुत सारे दर्शक सुनते हैं, देखते हैं कर्नाटक चुनाव से जुड़ी खबरों को, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब एक तरीके से डिजिटाइजेशन ने भारत में भी अब इन सीमाओं को ख़त्म कर दिया। हालांकि चुनाव आचार संहिता जो है वो राज्य के आधार पर है कि राज्य में प्रचार नहीं किया जा सकता, रोड शो नहीं किया जा सकता। चुनाव आचार संहिता के कारण कर्नाटक से बाहर रहकर राजस्थान से पीएम मोदी कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इस तौर पर भी देखा गया। इसके साथ ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी पीएम की इस बड़ी जनसभा से हो रहा है। आदिवासी बाहुल्य दक्षिण राजस्थान में भी सियासी संदेश बीजेपी पीएम मोदी के फेस पर देगी। पीएम मोदी के इसी दौरे से पहले कांग्रेस ने स्ट्रैटेजिकली राहुल गांधी का माउंट आबू में भी कार्यक्रम सेट किया। कांग्रेस शासित राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्य के लोगों के लिए अपना पिटारा खोलने वाले हैं। अभी हाल ही में राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली जयपुर अजमेर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद अब पीएम उदयपुर जाएंगे। पीएम मोदी यहां लोगों को करीब 5,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। 8 महीने में पीएम मोदी का ये 5वां राजस्थान का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 8 महीने में ये 5वां राजस्थान दौरा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह राजस्थान की चुनावी तैयारियों पर भी अपना ध्यान दे रहे हैं। 30 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री गुजरात के अंबा माता से लौटते वक्त आबू रोड बानपुर एयर स्ट्रिप पर भी पहुंचे थे। यहां 3 बार मंच पर उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों को प्रणाम किया था। मोदी ने लोगों को फिर से यहां आने और संबोधित करने का वादा किया था। वो वादा मोदी निभा रहे हैं। 1 नवंबर 2022 को पीएम ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आदिवासी तीर्थ में जनसभा की थी। इसके बाद 28 जनवरी 2023 को भीलवाड़ा के आसिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देव नारायण के मंदिर में भी गए थे। पीएम ने यहां भी जनसभा की थी। और 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी राजस्थान के दौसा में गुर्जर मीणा बाहुल्य क्षेत्र में आए और यहां हाईवे रोड प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था। अब 10 मई को प्रधानमंत्री का ये 5वां राजस्थान दौरा रहा। हालांकि इस दौरे को पूरी तरीके से जोड़ा जा रहा है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से। दरअसल कर्नाटक में आज मतदान हो रहा है तो ये देखा गया है। वैसे कोई पहली बार नहीं है कि जब किसी राज्य में मतदान हो रहा है तो किसी अन्य राज्य में प्रधानमंत्री की सभा होती है, रैली होती है, बड़ा रोड शो निकाला जाता है। निश्चित तौर पर ये आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं है लेकिन इसको हमेशा राजनीतिक स्ट्रैटेजी से जोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले राजस्थान पहुंचे। उनसे पहले एक दिन पहले ही राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी का ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं, वो अपने कार्यकर्ताओं को, जो नए खासतौर पर युवा कार्यकर्ता हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप में आए हुए हैं और अचानक से बना हुआ ये कार्यक्रम है। लेकिन देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की भी कोई सभा होती है, कोई इस तरह की बात देखने को मिलती है। नाथद्वारा में प्रधानमंत्री का पहुंचना, ये अब राजस्थान में एक तो
चुनाव का आगाज है बीजेपी की तरफ से, और ये देखा गया है कि एक चुनाव निपटता है उसके बाद में बीजेपी के बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। इसी साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होना है, राजस्थान बहुत अहम है क्योंकि अगर अभी तक देखा जाए, रिवाज देखा जाए, जैसे हिमाचल का रिवाज होता है या अन्य राज्यों का रिवाज होता है, तो वहाँ पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, एंटी इनकम्बेंसी है, आपसी उठापटक है, कांग्रेस के लिए कुछ चुनौतियाँ हैं यहाँ पर, तो देखना होगा कि बीजेपी, हालांकि बीजेपी के सामने भी अंदरूनी उठापटक का एक दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में राजस्थान को लेकर अब बहुत गंभीरता दिखा रही है बीजेपी। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो नहीं पाँच पाँच बार अभी राजस्थान को विजिट किया है, और आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान में आगाज़ नहीं, ये कर्नाटक की जनता को कितना इम्पैक्ट करता है इस पर भी नज़र रहेगी। देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली का कितना असर पड़ता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।